हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क नेक, डार्क स्किन, डार्क स्पॉट्स, फ्रैकल, टैन स्किन वगैरह के लिए है ये। हमारे पास आया तो इसकी स्मेल अजीब सी, जैसे एक्सपायर चीज़ हो गई हो। आप रंगत जो है वो गहरी सांवली है, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली है। थोड़ी देर में जो है ये बिल्कुल उड़ जाएगी, आपको थोड़ी देर के लिए वाइटनेस देगी। उसके गर्मियों में चेहरे के ऊपर लगा के ना इससे इतनी स्वेटिंग होती है, गर्मियों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। फिर टाइम से मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही थी, ऐसी क्रीम ढूंढ रही थी जो कि हमारे डार्क नकल्स, इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन हमारे चेहरे के ऊपर जो जाती है, झाइयाँ हो जाती हैं, इसके अलावा हमारी सन टैनिंग जो हो जाती है, फ्रैकल्स हो जाते हैं, इसके अलावा जो एक्ने के बाद डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कोई क्रीम हो जो कि नेक की वाइटनिंग भी दे। तो फिर मुझे अचानक से ये प्रोडक्ट दिखी तो मैंने कहा चलो यार इसे ट्राई आउट करना चाहिए, कि ये फाकरा खानम के प्रोडक्ट्स है। ईशा ऑर्गेनिक्स के नाम से है, ये एक मशहूर यूट्यूबर है, आप सब इनको जानते ही होंगे। बहुत अच्छी यूट्यूबर है, बहुत सारी रेमिडीज, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनकी फॉलो की और मुझे वाकई में बहुत फ़ायदा हुआ था। तो मैंने सोचा यार चलो उनका, इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट किया जाए। जब ये पार्सल रिसीव हुआ तो मैंने वाकई में देखा कि यार इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं, ये अच्छी खासी क्वांटिटी ये आपको दे रही हैं और इतने अच्छे प्राइस के अंदर। घर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फेयर एंड वाइट कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, मिल्क है, हनी है। इसके अलावा इसको आप फेस के ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो फिर आप अपना फेस वॉश करोगे तो एज अ नॉर्मल फेस वॉश, जैसे नॉर्मल फेस वॉश हमारे चेहरे को फ्रेशन अप कर देते हैं बिल्कुल वैसे ही कर देता है। इससे कोई वाइटनिंग नहीं आती, कोई ब्राइटनिंग नहीं आती। इसकी स्मेल बहुत अजीब सी है, फर्स्ट टाइम जब मेरी सिस्टर ने इसको मंगवाया था तो इसकी स्मेल ओके थी, बट नेक्स्ट टाइम जब ये हमारे पास आया तो इसकी स्मेल अजीब सी, जैसे एक्सपायर चीज़ हो गई हो। आप इसको ऑनलाइन ही बाय कर सकते हो क्योंकि ये किसी भी स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, लेट्स ओपन इट। और ये वाटरी से टेक्सचर के अंदर आता है, नॉर्मल फेस वॉशेस की तरह ही है ये। दिस इज़ नॉट गुड फॉर वाइटनिंग स्किन, और ये स्किन को ना वाइट करता है क्योंकि ये क्लेम करता है फेस वॉश तो उसे वाइट भी करना चाहिए था, बट ये एक नॉर्मल फेस वॉश जो आपके चेहरे को रिफ्रेश कर देता है बस उसकी तरह आपके चेहरे के ऊपर वर्क करेगा। बात कर लेते हैं इनके वाइटनिंग बैलेंसिंग क्रीम के बारे में। वाकई में किसी क्रीम को मैंने ट्यूब में एक अरसे बाद देखा है कि जो वाइटनिंग क्रीम है वो ट्यूब के अंदर है, क्योंकि आपने देखा है अमूमन जार्स के अंदर ही आती है। और मुझे ना इसकी क्वांटिटी देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, इतनी बड़ी ट्यूब के अंदर इतना सारा प्रोडक्ट था और इस प्राइस के अंदर। तो इसके अंदर डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट्स, यूज्ड फॉर अनइवन स्किन टोन, ये सब क्लेम करते हैं कि ये सब चीज़ों के लिए आपके वर्क करता है। ये आपको हैंड्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी कि वाकई में ये यूज़फुल है भी कि नहीं। और पीछे भी आप इसकी पैकेजिंग के देखो तो इन्होंने हाइपर पिगमेंटेशन मेंशन किया हुआ है, डार्क नेक एंड नेकल्स, इसके अलावा डार्क ब्राउन स्पॉट्स, फ्रैकल्स, टैन स्किन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 2 टाइम इसको इस्तेमाल करना है, 5 से 10 मिनट मेकअप से पहले आप इसे अप्लाई करोगे या फिर सन स्क्रीन के तौर पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हैवी सन एक्सपोजर में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, तो आप इसको जो है वो मेकअप से पहले ईशा ऑर्गेनिक का आप सन ब्लॉक लगाओगे और SPF 60, और ये जो है मेल फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो भी मौजूद हैं वो वाइटनिंग के लिए वाकई में काम करते हैं, बट इसमें जैसी मेडिकेटेड ट्यूब्स और क्रीम्स वगैरह की होती है बिल्कुल वैसी इसकी स्मेल है, बिल्कुल भी अच्छी इसकी स्मेल नहीं है। जब फेस के ऊपर या हैंड के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करो तो वो बंदा थोड़ा सा इरीटेट होता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक सी है, और ये देखो आपको मैं इसका थोड़ी सी क्वांटिटी आपको अप्लाई करके हैंड्स के ऊपर दिखाऊंगी, हैंड्स के ऊपर मसाज कर लूंगी इसका, और आपने भी इसी तरीके से मसाज कर लेना है। अगर आप इसे वाकई में यूज़ करना चाहते हो तो, अगर आपकी फेयर स्किन है ऑलरेडी तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे। जैसे आपकी बाहर आप सन में गए और आपकी स्किन जो है वो डल हो गई, डैमेज हो गई, तो आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके हाथ पे इफेक्ट दे देगा ये। बट अगर आपकी डार्क स्किन है या फिर आपकी रंगत जो है वो गहरी सांवली है, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली है। गर्मियों में चेहरे के ऊपर लगा के ना इससे इतनी स्वेटिंग होती है, गर्मियों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो है वो ये उतर भी जाती है फेस से गर्मियों में। सर्दियों में अगर आप इसको रात को लगा के सोओगे तो सुबह आपको चेहरा फ्रेश मिल सकता है, लेकिन सिर्फ सर्दियों में। इसका रिजल्ट है आपको इंस्टेंट तो वाइटनिंग इसको देखने को मिलेगी, मतलब देखो आप एक हैंड मेरा थोड़ा सा डार्क है और एक हैंड जो है मेरा बिल्कुल व्हाइट हो गया है, बट मेरे स्किन जो है मेरी हैंड की स्किन इतनी डार्क नहीं है, मेरे हैंड्स का कलर फेयर ही है, तो इसने वर्क कर दिया फौरन से। अगर आपकी डार्क स्किन है, डार्क आपका कलर है, तो ये थोड़ी देर में जो है ये बिल्कुल उड़ जाएगी, आपको थोड़ी देर के लिए वाइटनेस देगी, उसके बाद जो है ये आपके हैंड से वाइटनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी
और ये अगर आप, मैंने इसको अपनी तरफ से, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इनके साथ की फेयर स्किन है तो आप इसे मस्ट खरीद लो, अगर आपकी फेयर स्किन नहीं है तो आप इसे ना खरीदो, क्योंकि आपकी किसी भी डार्क नकल्स या हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह, फ्रैकल्स वगैरह या फिर डार्क नेक के ऊपर बिल्कुल भी ये वर्क नहीं करने वाली। और इसके अलावा आप इनके फेशियल्स वगैरह का या किसी और चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हो या किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।